शारदा सुपर बाजार, मुगेली का सबसे सुपर मार्केट, जहां हर प्रकार का सामान मिलेगा सबसे कम कीमतों पर। तो देर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें बिलासपुर रोड सुखनंदन हॉस्पिटल के सामने, दाऊपारा चौक, मुगेली। एसटीएससी और ओबीसी वर्ग द्वारा 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान मुंगेली जिले के लोरमी में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें कि भूपेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाते हुए 27% कर दिया गया था, साथ ही एसी वर्ग के आरक्षण को भी 1% बढ़ाया गया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में सवर्ण वर्ग के लोगों ने हाई कोर्ट में इस फैसले के स्टे हेतु याचिका लगाई थी, जिसे नाराज एसटीएससी और ओबीसी संगठन द्वारा 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान जिले के लोरमी में भी एसटीएससी और ओबीसी वर्ग ने नगर बंद कर इस आह्वान पर अपनी सहभागिता दिखाई। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मुखिया बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ। तत्पश्चात मैं लोरमी के नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने 27% जो आरक्षण हम पिछड़ा वर्गों को मिला था, उसके समर्थन में लोरमी नगरवासियों ने आज जो बंद करके हमारे सहयोग किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपेक्षा करता हूँ कि जो हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जो 27% आरक्षण को काटा गया है, वो पुनः पिछड़ा वर्ग को मिले, उम्मीद और अपेक्षा के साथ। आज जिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 27% आरक्षण दिए गए, जिसे पिछड़ा वर्ग ला जिला सवर्ण द्वारा स्टे लगाए गए, जेकर हम अपन पूरा छत्तीसगढ़ स्तर में पूरा छत्तीसगढ़ पूरा बंद और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखेंगे, अपन हक की लड़ाई लड़त हैं SC ST OBC मिल के, और हमला अपन हक मिलना चाहिए। बंद कितना सफल है? बंद पूरा सफल है। अपन पूरा मुंगेली सब बंद है, पूरा पथरिया बंद है, पूरा लोरमी बंद है, और जब तक 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग का लागू नहीं होगा, तब तक के आंदोलन जारी रहेगा। अब ये जो आरक्षण हमको मिला है 27%, हम मेजॉरिटी में हैं छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में, हमारी जनसंख्या 52% है, और 27% जो आरक्षण मिला है 1990 में मंडल आयोग के द्वारा केंद्र में लागू कर दिया गया, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया, तो अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 27% आरक्षण जो स्थगन लिया गया है संवर्ण के द्वारा, वो इस स्थगन को माननीय न्यायालय कोर्ट हटाए, और जो हमारी हक की लड़ाई है, हमारी हक है, हमारे बच्चों का हक है, आने वाले जनरेशन भविष्य का है, उसको पुनः लागू करें, और जब तक लागू नहीं करेंगे हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। और लोरमी वासियों ने हमें जो बंद के लिए सहयोग किया, उसके लिए समस्त निवासियों को धन्यवाद। मैं अपनी ओर से हमारे, चूँकि मैं कलार समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ का भी अध्यक्ष हूँ, तो एसटीएससी ओबीसी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमको इतना सहयोग दिया है कि आज अब लोरमी पूर्णता बन रहा है, और ये 27% आरक्षण हमारी हक की लड़ाई है जो संविधान द्वारा प्रदत्त है मंडल आयोग के द्वारा 1990 में। माननीय बीपी सिंह उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा मंडल कमीशन लागू किया गया था। आज जो 27% आरक्षण दी गई है, हमने नहीं मांगा है, हमारे बगैर मांगे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, और जिसे स्थगन आदेश के लिए लाया गया, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे इसके लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर भी लड़ेंगे, और भविष्य में लोरमी ब्लॉक में ST ST OBC का एक बहुत बृहद संगठन बनाएंगे और कार्यक्रम को आगे कराएंगे। धन्यवाद। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। हमारा पता है सुखी घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।